नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मेस पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई वीडियोज में नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन आपके डिमांड फिर भी कि हम सिक्वेंस से नहीं पढ़ रहे, तो हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि सर्ड और इंडाइसिस, जो कि बहुत सारी जगह आपने अगर पढ़ा है तो भी हम नहीं पढ़ पाते, तो टॉपिक छूट जाता है। एक ऐसा अलग सा टॉपिक है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि कोई सवाल आया है, नंबर सिस्टम का सवाल है या फिर ये एलजेब्रा का सवाल है। तो ऐसे मेंस 2017 में भी बहुत सारे सवाल आए, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे शुरू से। बेसिक का मतलब है कि हम जानेंगे सर्ड्स क्या होता है, सर्ड को हिंदी में कर्णी कहते हैं, इंडाइसिस क्या होता है, इंडेक्स का प्लूरल है इसको हम घातांक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बेसिक तरीके से, जैसे कि भाई कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स क्या है, रेशनलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। एक एक वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो रखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों के साथ मैंने एक क्लास को रिकॉर्ड किया और आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास को पढ़ने में, तो आप इंजॉय करिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अन अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। और मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे एजुकेटर हूँ, वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेसन्स डले हुए हैं और अभी नए लेसन्स आने वाले हैं अर्थमेटिक के, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और उन लेसन्स को देख सकते हैं। बाय। सर्ड एंड डिसीज, सर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तुम बताओ। करणी, ये कर्ण का फीमेल वर्जन है, करणी, ठीक है। और इंडेसिस प्लूरल है इंडेक्स का, जैसे वाइफ का वाइफ्स होता है, तो इंडेसिस इंडेक्स का प्लूरल वर्जन है, जिसका मतलब होता है घातांक। अगर हंसी और एक भी शब्द फालतू सुन लिया तो मुंह तोड़ के हाथ पे रख दूंगा, दोनों पे लेके खुद ही जाना पड़ेगा, छुड़वाऊंगा भी नहीं किसी से। नेविगेशन लगा दूंगा फोन में। इफ स्क्वायर रूट, सर्ड के आगे लिखे इफ स्क्वायर रूट कॉमा क्यूब रूट ETC ऑफ ए नंबर, इफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट ETC ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशनल फॉर्म, इन द रेशनल फॉर्म, ब्रैकेट में लिख देना PQ, देन इट इज कॉल्ड ए सर्ड। ठीक है, क्या लिखा आपने, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे √4 है इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्यूब √8 है इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है PQ के फॉर्म में, जिसको नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड। √2 √3 √4 √5 ऐसे लिख लो एग्जाम्पल में। आवाज ही नहीं निकल रही अंदर से, पता है, इसलिए सुबह वाली क्लास कैंसिल कर दी, रात को 3 बजे ही बंद हो गई थी आवाज, कोल्ड कॉफी पीली थी कल दिन में। इफ ए सर्ड डज नॉट कंटेन एनी रेशनल टर्म लाइक √2 √2 + √3 इट इज कॉल्ड एंटायर सर्ड। यदि किसी भी करणी में, इनकी डेफिनेशन के कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, इसलिए इंग्लिश हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिख लें, कोई ऐसा डेफिनेशन ही नहीं पेपर में पूछी जा रही, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका वैसा है तो इसलिए थोड़ा लिखाना पड़ता है। ठीक है, इफ शर्ड कंटेन्स रेशनल टर्म लाइक −√2 देन
इट इज कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड. तब हम इसे मिक्स सर्ड कहते हैं. इसके बाद इफ द रेशियो ऑफ टू शर्ड इज ए रेशनल नंबर. ये सवाल जरूर पेपर में आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि यार लाइक शर्ट्स कौन सी हैं एग्जांपल में. तो इफ द रेशियो ऑफ टू शर्ट्स इज ए रेशनल नंबर, जैसे 3√2 एंड 7√2, इनका रेशियो क्या होगा? 3/7. तो यदि दो शर्ट का रेशियो 3√2 और 7√2 है, देन दे आर कॉल्ड लाइक शर्ट. लाइक शर्ट. अदरवाइज 3√2 एंड 7√5 आर कॉल्ड अनलाइक शर्ट. मिक्स शर्ट का ही नाम है, जैसे बाइनोमियल शर्ट. हम किसे कहते हैं? बाइनोमियल शर्ट. लिख लें, बोल रहा हूं. ए बाइनोमियल शर्ट इज ए बाइनोमियल, इज ए बाइनोमियल विद एट लीस्ट वन ऑफ द टर्म बीइंग ए शर्ट. मतलब समझ गए? मिक्स में जैसे क्या हो सकता था कि 3+√5+√3, बाइनोमियल में क्या होगा? केवल दो टर्म होंगी जिनमें से कम एक शर्ट होना जरूरी है. बात की गहराई समझ रहे हैं? दो ही टर्म होंगी बस, जिनमें से कम एक का होना बाइनोमियल जरूरी है, मतलब शर्ट होना जरूरी है. लिख लिए बात? बाइनोमियल शर्ट इज ए बाइनोमियल. क्या लिखा? हाँ, शर्ट. जैसे दो टर्म है 5+√3, तो एक कम से कम शर्ट है इसमें. दोनों भी हो सकती हैं, कम से कम बोला है हमने. दो ही टर्म होंगी इसमें. मिक्स में तो बहुत सारे हो सकते हैं, 3, 4, 5. तो बाइनोमियल एक तरीके से मिक्स का ही टाइप है. इसके बाद देखो कंजुगेट शर्ट क्या होती है. कंजुगेट शर्ट संयुग्मी करणी क्या हाल है गंदे आदमी? लेकिन कंजुगेट शर्ट आर टू बाइनोमियल शर्ट ऑफ द फॉर्म आर टू बाइनोमियल शर्ट ऑफ द फॉर्म a√b+c√d एंड a√b-c√d. लिख लो. वेयर a and c are rational but √b and √d आर नॉट बोथ रेशनल. मतलब समझ रहे मेरी बात का? हाँ, कहने का मतलब है कि भाई शर्ट ये भी कंजुगेट हो सकती है √5+√7, और शर्ट ये भी हो सकती है कंजुगेट. ये
मतलब बात को समझ रहे हैं कि दोनों में से, अब जैसे ये क्या है, ये शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन दोनों रेशनल नहीं होने चाहिए। अगर ये भी रूट नाइन हो जाता तो फिर शर्ट का मतलब ही खत्म हो जाता। तो टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री टाइप भी हो सकती है कंजुगेट शर्ट, रूट फाइव प्लस रूट सेवन, रूट फाइव माइनस रूट सेवन भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला कि रूट बी और रूट डी आर नॉट बोथ रेशनल, दोनों रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे इसके नीचे ही लाइन में कि प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट शर्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट शर्ट इज ए रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट शर्ट इज ए रेशनल नंबर। ग्रेट इंडिया, तुम प्लेस और लगा लो अपने नाम के आगे तो मॉल बन जाएगा, ग्रेट इंडिया प्लेस, GIP, अलीगढ़ में, अबे नोएडा में, अलीगढ़ में पता है कैसे होगा, जैसे ताजमहल ओरिजिनल और एक घर पे लाके लोग छोटे छोटे रख लेते हैं वो पत्थर के बने, वैसे होगा। अलीगढ़ में मॉल है, जितना बड़ा GIP है उतना बड़ा पूरा अलीगढ़ नहीं है। सेंटर पॉइंट को छोड़ के अलीगढ़ में है ही क्या? जैसे जितनी भी ये रूट वाली होती हैं, एक पॉइंट बना के ये भी लिख लेना, नाम आपको पता होने चाहिए, सिर्फ रूट है जिनमें, रूट बी प्लस रूट सी प्लस डी, ऑल आर क्वाड्रेटिक सेट, जिसमें सिर्फ रूट होता है, क्वाड्रेटिक सेट बोलते हैं इनको, क्वाड्रेटिक सेट, क्वाड्रेटिक सेट। क्वाड्रेटिक सेट्स, अभी आप देखेंगे हम छोटी छोटी डेफिनेशन से ही कैसे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप बात को? मिस्टर ज्योति आप समझ रही हैं? ओ सॉरी, मेरा क्या आदत नहीं है ना अंग्रेजी बोलने का ज्यादा, मिस ज्योति, समझ रही हैं आप? या आपको हंसी आती है सर? थोड़ा पढ़ लो, जिस दिन तुम्हारे पापा को फोन किया तुम्हारा बोरिया बिस्तर बन जाएगा यहाँ से, और बंधवा दिया तो आपका बंधेगा कि नहीं? आप करो इनका कुछ, अब मैंने सोच लिया है मैं क्या है, वो जो गोली नहीं होती जो आंदोलन में चलाती है पुलिस, बुलेट फायर बोलते हैं क्या? हाँ, वैसे 15-20 बंदे बीच बीच में खड़े करूंगा, जिसने सीटी मारी उसके गाल में सीधे छेद, अब मार सीटी, हवा ना निकल जाए बाहर तो कहना। पीछे सम्मा जी आपको समझ में आ रहा है? आपको लगता है आपके नखड़े बहुत हैं? है लगता है आपको? नहीं, चलिए नहीं लगता तो अच्छी बात है। एक बात लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिखिए, इक्वेशन इन्वॉल्विंग सर्ट, क्वाड्रेटिक मतलब केवल अंडर रूट होगा, क्यूब रूट नहीं हो सकता, फोर्थ रूट नहीं हो सकता। इक्वेशन इन्वॉल्विंग सर्ट, ऐसे लिखना एक पॉइंट, इक्वेशन इन्वॉल्विंग सर्ट, इफ द सर्ट ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट डी, ऐसे देन, तब आपको लिखना है देन, इक्वेशन दिख रही है ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट डी, देन ए बराबर सी बी बराबर डी, मतलब ऐसे लिखेंगे, मतलब द रेशनल पार्ट ऑन वन साइड इज इक्वल टू द
मतलब द रेशनल पार्ट ऑन वन साइड इज इक्वल टू द रेशनल पार्ट ऑन द अदर साइड. एंड द इरेशनल पार्ट ऑन वन साइड इज इक्वल टू द, रिपीट कर रहे हैं आप सुन नहीं रहे हमारी बात. अरे भाई द रेशनल पार्ट ऑन वन साइड, अभी सवाल से समझ में आ जाएगी ये बात, इज इक्वल टू द रेशनल पार्ट ऑन द अदर साइड एंड द इरेशनल पार्ट ऑन वन साइड इज इक्वल टू द इरेशनल पार्ट ऑन अदर साइड. मतलब इधर वाला रेशनल उधर वाले रेशनल से कंपेयर कर देंगे और उधर वाला इरेशनल उधर वाले से, ठीक है, ऐसे कंपेयर करना पड़ता है. सवाल लिखेंगे छोटा सा, लिखे इफ ए कॉमा बी आर रेशनल नंबर्स. इफ ए कॉमा बी, पहला सवाल लिखे हैं आज की क्लास का, इफ ए कॉमा बी आर द रेशनल नंबर्स एंड ए माइनस वन रूट टू प्लस थ्री, ऐसे लिखें ए माइनस वन रूट टू प्लस थ्री बराबर बी रूट टू प्लस ए. बी रूट टू प्लस ए, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. इधर रूट टू का कोफिशियंट क्या है, ए माइनस वन बराबर बी. अगर सवाल में ए माइनस बी पूछा होता तो मैं वन डायरेक्ट बता देता, लेकिन नहीं पूछा था. कांस्टेंट टर्म क्या है, थ्री ए माइनस वन. देखो हमें ऐसे, हमने अभी क्या बात कही थी कि रेशनल का रेशनल से कंपैरिजन होगा और इरेशनल का इरेशनल से होगा, बराबर ए. तो टू ए बराबर थ्री, ए कितना आ गया थ्री बाई टू. ए अगर थ्री बाई टू है तो बी कितना आ गया वन बाई टू. ए प्लस बी पूछा आया हुआ सवाल है एसएससी में, कितना होगा, क्यों नहीं आ पा रहा था, ये आ गया था. पढ़ लो जी पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, बता रहे हैं यार. आप चश्मा वश्मा लगा के आने लगे यार, आपका भी जलवा हो गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे भाई कैसे, कब दिया, और किसी से पूछवा दो तुम, किसी से भी आजू बाजू पूछवा दो ये बात. हाँ गलत सोचते चार. आप इसको भी ऐसे लिख लो, सही है, एक रूट सात है एक रूट पच्चीस है, बड़ी संख्या कौन सी है ये, या तो इसको इसके बराबर रख दो या इसको इसके बराबर रख दो. तो फोर एक्स कितना आ जाएगा, सोलह. एक्स कितना आ गया, उत्तर है.
चाहो तो इसमें भी फिट करके देख लो, 4 चौक 16 9 25, 5 8। समझ में आई बात कंपैरिजन की दुनिया? बात समझ रहे हैं? अभी मैं बहुत बेसिक से आपको सर पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। क्या है सर, हम जाने एक एक छोटी छोटी चीज, कैसे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है जो लोगों से अलग बनाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के, मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा। और कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ सवाल जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और आज हम लोग 9 लाख भी हुए हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मतलब मुझे भी, कि हम सब मिलके। और कई बार मैं आप पे गुस्सा कर देता हूँ तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो भी ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सफल हों, आप जीवन में कुछ अच्छा करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।